लेकिन ये मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि हमारा घर भी बनेगा कभी ऐसा, वो भी इतना बड़ा। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा जो है वो मेरे लिए एक सपने से भी बड़ी चीज है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत जो है वो पिछले दो ब्लॉग से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि पिछले दो ब्लॉग में मैंने आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ बताई थी कि क्या क्या होता है। पर अगर आज फिर से मैं वही शो करूँगा तो वो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं थोड़ा डिफरेंट रख रहा हूँ, क्योंकि आज जो है वो मैं जा रहा हूँ अपने नए घर वाली साइड, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारा नया घर जो है वो बनना जो है वो शुरू हो गया है। तो आज चलते हैं वहाँ पे, अभी थोड़ी देर बाद मैं पापा के साथ जाऊँगा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो मैं आ गया हूँ लोकेशन पे अपने न्यू घर की। तो ये पहले आप पीछे से थोड़ी देख लो खेत कैसे लग रहे हैं, और ये मैं थोड़ी सी झलक आपको दे देता हूँ जो कि चल रही है घर की। ये घर तैयार हो रहा है अपना, ईंटें वगैरह लग रही हैं क्योंकि लेंटर डालने की तैयारी जो है वो चल रही है। तो इसके बाद मैं आपको बैक कैमरा में पूरा व्यू दिखाता हूँ आगे पीछे का कैसा व्यू है। तो दोस्तों ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, सारी नेचुरल ब्यूटी। ये सारे यहाँ पे खेत हैं, और वो वहाँ पे पीछे दिख रहा है अपना जम्मू सिटी। तो यहाँ पे चनाई शुरू हो गई है, यहाँ पे लेबर जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और अभी एंटर करेंगे घर के अंदर ईंटा लेके। दोस्तों ये एंट्रेंस है अपने घर की, पोर्च, इसमें गाड़ी वगैरह पार्क करूँगा, और ये चल रहा काम ज़ोरों शोरों से। और ये भाई अपने बना रहे हैं सीमेंट मसाला चनाई के लिए। मिस्त्री जी लगे हैं काम पे, अभी पापा मोटर लगाने लगे हैं। अभी हमारा नया नया नलका है इसलिए इसको थोड़ा हाथ रख के प्रेशर बनाना पड़ता है। अभी प्रेशर बनेगा तो पापा अभी मोटर ऑन कर देंगे। आ गया आ गया आ गया। अभी स्टार्टिंग में नया नया लगाया ना तो थोड़ा पानी रेत वाला था, उसके बाद जो है पानी पूरा क्लियर हो जाता है। 1 2 3 और ये स्टार्ट होगी मोटर। अभी इसका प्रेशर चेक करो कितना है पानी का। अगली साइड करो पाइप थोड़ी, पढ़ो हाथ है मुकाबला। सिटी 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 में मिलता है इतना फ्रेश पानी और साफ। ये देखो प्रेशर चेक करो उसका, अभी मुझे बड़ी लगी है प्यास, मैं पीने लगा पानी। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो शाम हो चुकी है, मैं घर से चक्कर लगा के आ गया हूँ, और डिंपल जो है वो आ गई है देखने कि कहाँ तक जो है वो काम पहुँचा। तो इसको भी मैं लाया, अभी ये देखेगी, इसका रिएक्शन नोट करते हैं कि क्या है।
तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अभी मैं आपको होम टूर करवाता हूँ कि हमने जो नया घर बनाया है उसमें है क्या 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 चीजें हैं। तो आओ आप मेरे साथ अभी इनकम्प्लीट होम टूर। जैसे आप इस घर में घुसते हो तो ये पहला आपका आ जाता है पोर्च, जिसमें हमारी गाड़ी वगैरह पार्क होगी, जहाँ पे अपनी बाइक वगैरह और स्कूटी लगाऊंगा। तो यहाँ ये हमारा पोर्च आ गया। उसके आगे आप थोड़ी सी और आएंगे और पोर्च भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्पेस में बनाया हुआ, ताकि अगर दो गाड़ियाँ लगानी हो तो दो गाड़ियाँ भी छोटी छोटी लग जाती हैं। तो पोर्च भी काफ़ी ज़्यादा खुला रखा है। तो इस टंकी भी हमारी बन गई है, इसके ऊपर हमने लेंटर डाल दिया हुआ है, तो ये भी तैयार हो गई है हमारी टंकी। तो इसके अगर आप आगे आओगे तो आएगा हमारी लॉबी का दरवाज़ा। तो ये है दोस्तों हमारी लॉबी का दरवाज़ा। जैसे हम इसके अंदर घुसेंगे तो ये आगे हमारी पूरी लॉबी, ये यहाँ से लेके वहाँ तक लॉबी है। और लॉबी के साथ ही हमारा आता है किचन, जो कि हमने किचन बनाई हुई है। ये हमारी किचन है, ये आप देख सकते हो पूरी खुली अच्छी खासी। जितना हमारे घर में एक नीचे एक कमरा है, जो मैंने आपको व्लॉग में भी नहीं दिखाया, उतनी हमारी ये किचन है। तो ये आप जैसे आप थोड़ी आगे आओगे हम लॉबी दिखाते हैं, तो हमारे राइट साइड आएगा हमारा वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे हमारा वॉशरूम आएगा, जो कि लॉबी के साथ ही कॉमन वॉशरूम है। तो ये देख लो आप। और यहाँ से अगर आप साथ ही में आओगे, यहाँ से थोड़ा सा चल के, थोड़ा नीचे से बताओ, यहाँ से चल के आओगे तो ये हमारा फर्स्ट रूम आ गया दोस्तों। ये हमारा पहला कमरा है, ये यहाँ तक है पूरा, काफ़ी ज़्यादा लंबा कमरा है ये, यहाँ से स्टार्ट है ये और ये यहाँ तक पूरा कमरा है ये। ये दोस्तों हमारा पहला कमरा आ गया। किचन भी दिखा दिया आपको मैंने, वॉशरूम भी दिखा दिया। अब आपको दिखाता हूँ मैं लॉबी हमारी कितनी है। तो जैसे हम लॉबी में एंटर होंगे तो ये यहाँ से हमारी लॉबी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक हमारी लॉबी है। तो इस लॉबी में जो है वो कम से कम भी 150-200 लोगों का जो है वो क्राउड इकट्ठा हो सकता है। तो ये लॉबी हमारी हमने बनाई हुई है, तो यहाँ तक ये लॉबी है हमारी। जो हमारा पहला घर है वहाँ पे लॉबी लॉबी कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोटे से घर है। और जब हम यहाँ शिफ्ट होंगे तो धीरे धीरे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आदत डालनी पड़ेगी इतने खुले घर में रहने की, क्योंकि आदत छोटे घर और छोटी गलियों की है। ये गली भी देखो आप, छोटी गलियों की। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये गली ही 18 फुट की गली है, जहाँ से कि ट्रक वगैरह भी आ जाते हैं। जो हमारा सारा रॉ मटेरियल आता है वो सारा ट्रक्स में आता है, और गली ही इतनी खुली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेपरेट गली है, कोई यहाँ पे कोई आउटसाइडर्स आ नहीं सकते, ये सेपरेट गली है हमारी। और यहाँ पे नेचर भी बहुत अच्छा है। अब लॉबी में मैं आपको आता हूँ, आप लॉबी में प्लीज एंटर हो जाइए। अब लॉबी के बाद हमारी बात आती है कि हमने घर में जो है वो वेंटिलेशन के लिए क्या रखा हुआ है। अब दोस्तों लॉबी हमारी और भी बड़ी हो सकती थी, पर हमने क्या किया कि घर की वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि अभी साथ में भी घर बनना, उस साइड भी घर बनना है, तो थोड़ी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमने वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक लॉबी में अपना कटआउट रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपना फ्रेम आएगा, तरताना आएगा, जहाँ से जो है हमें फ्रेश हवा मिलेगी। ये बात होगी लॉबी की। अब लॉबी के बाद आप पीछे आ जाओ। अब लॉबी के बाद ये आगे हमारे दो रूम, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक 10.5x14 का और एक 10.5x12.5 का। तो दोस्तों ये हमारा जो रूम है, इसके साथ भी हमने पीछे जो है वो एक अटैच वॉशरूम रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ये वॉशरूम में रखा हुआ है बिल्कुल बैक साइड। अगर इस कमरे में किसी को रात को वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे वॉशरूम जो है वो यूज़ कर, अच्छी खासी स्पेस है इस वॉशरूम की भी। और उसके बाद जो है इस वॉशरूम के बाद हमारा जो तीसरा कमरा है, तीसरा रूम जो हमारा सबसे बड़ा रूम है, ये आ गया हमारा ये वाला। ये भी अच्छा खासा जगह का हमने जो है यूज़ किया है, बहुत काफ़ी खुला कमरा है ये। तो यहाँ तक आपने देख लिया। और लास्ट चीज़ हमारी आती है जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, वो आ गया दोस्तों हमारा कटआउट। ये जो आप देख रहे हो ये जगह और ये पीछे वाली जगह, ये सारी हमारी जगह, अभी हमने इस जगह को कवर करना है, इस जगह को अभी हमने कवर करना है, क्योंकि हमने अपना ये भी वेंटिलेशन के लिए अपना जो है वो कटआउट छोड़ा हुआ है। तो जब भी रात शाम को अगर हमने चाय वगैरह पीनी है तो यहाँ पे आके बैठ के चेयर्स वगैरह लगा के, और वहाँ पे आप अगर व्यू देखो ना तो कोई मुकाबले नहीं इस व्यू का दोस्तों। व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, चिड़ियों की आवाज़ है, और दूर दूर तक सिर्फ हरियाली है,
और आप गैस नहीं करोगे कि वो प्लेजर यहाँ पे बैठने का, साथ में सनसेट देखने का, साथ में चाय पीने का, दोस्तों कोई मुकाबला नहीं है। और उसके बाद अगर आप बात करें पानी की, तो ये हमने अपना हैंडपम्प जो है वो यहाँ पे लोअर करवा दिया हुआ है। जब भी कुछ भी पानी चाहिए, रात को, शाम को, दोपहर को, यहाँ से जितना मर्जी पानी निकालो, मोटर भी हमने लगा दी हुई है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। वैसे पानी भी आप जितना मर्जी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये घर बना कौन रहा है, इस घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कौन कर रहा है। ये जो घर बना रहे हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, रिंकू भैया, तो उनकी बदौलत जो है ये पूरा घर जो है वो बन रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई को, शुक्रिया आपका, ह्यूज लव फॉर यू। तो ये घर जो आप देख रहे हो, ये भी हमारा कोई प्लान नहीं था घर बनाने का, ना कि हमने कभी सोचा है। ये अभी जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको अपना टूर करवा रहा हूँ, अभी चलो बना तो नहीं हुआ, बन भी जाएगा जल्दी, लेकिन ये मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि हमारा घर भी बनेगा कभी ऐसा, वो भी इतना बड़ा। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे लिए एक सपने से भी बड़ी चीज़ है, जो कि इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो रिंकू भैया का ही है, क्योंकि हमने जब जगह ली थी तो तब जगह में हमने इसको ऐसे छोड़ दी थी कि 5-6 साल बाद हम बनाएंगे। तो रिंकू भैया को मैंने एक बार बोला तो उन्होंने उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा जो है वो चेयरअप किया कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, हम बनाते हैं। तो उनकी बदौलत जो है अभी कुछ दिनों में यहाँ पे लेंटर भी डल जाएगा, तो भी आपको मैं दिखाता रहूँगा। तो लव यू भैया। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का व्लॉग। तो आज जो है तीसरा व्लॉग था, मैंने पहले दोनों व्लॉग से डिफरेंट बनाया, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आपको शो की हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा, मेरे होम टूर का। तो प्लीज़ आप, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये डिम्पल है इसका भी चैनल जो है सब्सक्राइब करें, जल्दी शुरू होने वाला है ब्यूटी टिप्स जो है वो ये चैनल बनाने जा रही है। तो आप प्लीज़ इसके चैनल को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें। और ये अभी आप पीछे देखो, ये घर की फोटो, और ये अपना ये व्यू चेक करो। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं सामने, अभी हम यहीं पे बैठे हुए अभी, चलो। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इंजॉय हम कर रहे हैं, अच्छा फील हो रहा है। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहें, मेरे व्लॉग्स जो है वो रोज़ देखते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। तब तक आपको मेरी तरफ से सत श्री अकाल, जय माता दी, सलाम, ध्यान रखें। बाय बाय।